हर महादेव, जय माता दी। अभी बज रहे हैं 4:46 और 4 बजे मंदिर में गई थी। आपको बता नहीं सकती, जो लोग मंदिर में हैं वो इस बात को जानेंगे, कितनी गर्मी है भाई। दोबारा नहा ली मैं, पसीने पसीने हो रही हूँ और पूजा का आनंद आ गया। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओए होए, सावन का पहला दिन, सावन का पहला सोमवार इतने सारे योगों के साथ आ रहा है और सावन सावन से शुरू होकर सावन पर ही संपूर्ण हो रहा है। मतलब जिस टाइम पर महादेव की पूजा सारे देवी देवता करते हैं, उस ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठ के पूजा कर लो, आपके सिवा मंदिर में कोई नहीं होता, इवन पंडित जी भी नहीं थे। जो आनंद की अनुभूति हुई, हाँ हाँ मुझे मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग मेरी तरह पूजा कर चुके हैं, जाग चुके हैं। मैं अब अपने इस परिवार और संसार को बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ कि आप बिल्कुल मेरे को फॉलो करते हैं और मेरी तरह ही करते हैं और मैं आपकी तरह करती हूँ। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। और इतने सुकून से किया ना कि मैं एक लोटा जल चढ़ा रही हूँ, कोई मेरे साथ एक लोटा जल चढ़ा रहा है, वो नहीं था। सुकून से महादेव से बातें करी, आपकी हाजिरी लगाई, आपके बारे में बोला, सबके बारे में, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टा हो, फेसबुक हो, बिलीव इन कर्मा हो, 5 मिनट स्टोरी हो, दिल से भगवान से बातें कर कर आई हूँ। और वही हुई। और देखिए कैसे दुल्हन की तरह लाल कपड़े, हरी बिंदी, श्रृंगार कर कर, बाल बांध कर मंदिर में जाना है। हर हर महादेव, खुले बालों से महादेव की पूजा नहीं करते। गॉड ब्लेस यू। और पार्वती माँ को पहले सोमवार श्रृंगार का सामान अर्पण ज़रूर करते हैं, फिर इसके बाद बीच में आप करें ना करें, आखिरी सोमवार करें, लेकिन जैसे आप खुद हरी चूड़ियाँ पहने ऐसी माँ पार्वती को भी अर्पण करें। अगर आपने नहीं भी अर्पण करी तो आपकी तरफ से मैं सब कुछ अर्पण कर कर अभी आई हूँ। गंगा जल मुख्य है, गुलाब जल मुख्य है, और अपनी कोई भी इच्छा बोलते हुए याद है ना, 7 बदाम। कमेंट्स में जय माता दी।